अरे उस्मान भाई, हम इससे इंटरव्यू लेते हैं, आप देख सकते हैं ये नहीं जी माइक। और आप बताएं, व्हीलिंग का आपको कब से शौक शुरू हुआ? व्हीलिंग का तो मुझे बचपन से शौक था। मैं छोटे हुए अपने भाई को देखता था, वो बड़ी व्हीलिंग उठाता था, इसलिए मुझे रीसाई उसकी नकल करनी पड़ी, लिहाजा उसने मुझे सिखा दी व्हीलिंग। हम मुझे दो साल हो गए हम व्हीलिंग करो, बाद में आप लोग मिल गए और आप लोगों के साथ दिल लगी होगी। और मेरी तो बचपन का शौक था, मैं एक दिन व्हीलर बनूंगा, इंशाल्लाह बन गया हूँ। अब रियासी मस्जिद के ऊपर खड़ा हूँ मैं। जबरदस्त। अब ये ले आ गए, मेरे दोस्त बिलावल हैं, इनसे बात करें। जी जी, माइक प्लीज, माइक आप इन्हें दीजिए, बात करें। ये जी बिलावल भाई हैं हमारे, ये भी ब्रेक व्हीलर है, बहुत बड़ी है। हाँ जी, बहुत अच्छे, नाइस ये वाली जी, आप ये देख सकते हैं, ये बिलावल की बाइक आप देख सकते हैं, फुल हैवी बाइक है, अमेरिका से इम्पोर्ट की है। और जो मार्केट उस दिन मैंने बनवाया है, ये देख सकते हैं आप, ये जो पिछला टायर का रिम है, ये आज मैंने सीधा कराया है, रोज खराब हो जाता है। ये बस ये वन व्हीलिंग करते हैं, पीछे से भी बता दें। ये उस्मान, ये उनकी साइकिल है पीछे से। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं, पीछे उन्होंने लिखा हुआ है डोंट कॉपी माय स्टाइल, और ये साथ उन्होंने लिखा हुआ है अपना नंबर 887, ये हमारे उस्मान भाई का नंबर है। और माइक आप पास रखे। ये जी अभी आपको बनाते हैं चिंटू व्हीलर से, बड़ा सारा माइक। मैं उस्मान हूँ और मुझे शौक है व्हीलिंग का, बहुत ही छोटे से मैं व्हीलिंग उठाने लगा हूँ, बिकॉज आई लाइक व्हीलिंग। एंड बस ठीक है, वो आगे बात भूल गए जी, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप जी, ये अभी हम आपको मिलाते हैं वैस साहब से। आप देख सकते हैं मेरी बाइक है, मुझे बचपन से शौक है, काफी अच्छे से ये मैंने इम्पोर्ट किया अमेरिका से। हम आपको इसके कुछ स्टंट्स बताते हैं, ये देख सकते हैं इसकी बहुत अच्छी व्हीलिंग है। ये देखें, ये टायर है बैक व्हील, इन पे आप खड़े होके बहुत बहुत सी वैरायटी व्हील की मार सकते हैं। और ये देख सकते हैं, ये इसकी स्पोर्ट है, स्पोर्ट आप दिखाएं। और ये हमारी चैन है, ये किसी टाइम भी साइकिल में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है उस वजह से। और ये आप सीट देख सकते हैं, फुल कंफर्टेबल सीट है, ये बैंकॉक से हमने मंगाई है। और ये आप स्पीडोमीटर देख सकते हैं, ये इसके बटरफ्लाई स्पीडोमीटर सिर्फ इसी हैवी बाइक में आते हैं। और आगे आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है डर्ट राइडर, और ये मॉन्स्टर है। ये आप 10 स्पोर्ट्स पे आप ये वाला टैटू देख सकते हैं। ये आप टायर देखें इसका, टोटल ये 35 इंच इसका टायर है, बेशक नाप ने आप पीता है आपके पास तो। ये 35, ये ब्लैक कलर है, ओरिजिनल ब्लैक कलर है, ठीक है। ये हमने जूतों की पॉलिश से मिक्स करके बनाया है। ये भी आपको दूसरी साइकिल बता रहा हूँ, जरा आराम से जाए। ये है मेरा बाइक मुल्काबाद, ये मैंने बाइक के मुल्क से लंदन से मंगवाया है। और इधर आ जाए आप, और ये है बहुत ही कंफर्टेबल एंड ब्यूटीफुल सीट जो मैंने आइलैंड से मंगाई है। और ये है मार्केट, आप इसके बारे में खासियत नहीं बताएंगे? और ये सीट जो है, ये सीट जो है, ये नीचे से फटी हुई है, जिसकी वजह से ऊपर से इन्होंने कपड़ा लगाया हुआ है। अच्छा जी, आपको गलत है, आपको इनका कैरियर बताते हैं जो कि इधर से टूटा हुआ है, आप होर करके देखिए। जब मैंने व्हीलिंग उठाई हुई थी तब ये टूट गया, और ये आप इसके मार्केट चेक करें, ये मार्केट। आपको इनका भाई भी बताते हैं, ये इनका भाई है जो हर वक्त लटका रहता है, एक और भाई था वो आज इन्होंने लाया नहीं है। और थैंक यू, और मेरे थैंक यू, आपकी ऐसे खतरनाक व्हीलिंग का मुकाबला करें, हमें बहुत खुशी होगी, हमें बहुत खुशी होगी कि हम पाकिस्तान को एक डेवलपमेंट रास्ते की तरफ ले गए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको मैं अपनी साइकिल के बारे में बताता हूँ, ये मेरी साइकिल है, चलना तू बोल मैं कितना। और ये आज मेरे नए नए पैडल लगवाए हैं इसके, आप देख सकते हैं कलर भी इनका बहुत अच्छा है। ये हैंडल भी मेरा टूट गया था, और ये मेरे दोस्त हैं, ये है वैस, उस्मान भाई, और साथ में सनी भाई। माय ग्रैंडी शेर, शी इज लिविंग इन फैसलाबाद एंड आल्सो आई एम लिविंग। मेरी गंदगी ना भी बेचा होना ही है, ये होना ही है जिके तुसी बोले हो। और रातां दी
ये देखें इनके बीच में बहुत अच्छा देखिए थोड़ा थोड़ा दूर दूर ना हो ओए चल जाते हैं ऊपर कसम जुलने यार मजा सी ने यार हाँ ना टाइम नहीं ना फिर जुलने फिर करें भी जुलने जिथे चावांगे गड्डी मोड़ांगे बिल्कुल खामोशी है अभी अभी थोड़ा सा वैसे भाई बोल रहे हैं वो खैर डांस चेक करें
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार इंशाल्लाह।